हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आपको भी अगर इंस्टाग्राम, फेसबुक या फिर यूट्यूब शॉर्ट्स से पैसे कमाना है और आपको रील्स एडिट नहीं करना आता, आपके पास कोई बड़ा लैपटॉप नहीं है, डेस्कटॉप नहीं है और एडिटिंग भी नहीं जानते हो, तो कोई बात नहीं। आज की इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ एक घंटे में 30 से भी ज़्यादा रील्स कैसे एडिट करनी है वो सिखाऊँगा। सिर्फ आपके पास एक मोबाइल होना चाहिए और उसमें कैनवा ऐप इंस्टॉल होना चाहिए। अगर ये दो चीज़ें हैं तो आप भी अच्छे खासे ट्रेंडिंग रील्स एडिट कर सकते हो। मैं आपको ट्रेंडिंग रील्स एडिट करना सिखाऊंगा आज के इस वीडियो में। सिर्फ आपको ये वीडियो पूरा देखना है और जो जो मैं करूँगा वो उसको आपको फॉलो करना है, और बस ये दो चीज़ें करोगे आप तो आप भी इंस्टाग्राम पर पैसे कमाने के लिए रेडी हो जाओगे। और वही रील आप यूट्यूब शॉर्ट्स पे भी डाल सकते हो और फेसबुक रील्स पे भी वही रील। थोड़ा मोटिवेशन भी जरूरी है पैसे कमाने के लिए। इन तो हम क्या करते हैं, इंस्टाग्राम पे जाके देखते हैं कि रील्स बना के, सिंपल रील्स बना के पैसे कैसे कमा रहे हैं। तो बेसिकली ये मेरा इंस्टाग्राम पेज है, आप इसे भी फॉलो कर सकते हैं। तो हम आज मोटिवेशन का ही एग्जांपल लेंगे कि लोग छोटे छोटे कोट्स डाल के रील्स पे कितने सारे व्यूज छाप रहे हैं और इसे कितने अच्छे खासे पैसे कमा रहे हैं। ओके, तो आपको इंस्टाग्राम पे मोटिवेशन डाल के सर्च करना है और फिर अकाउंट में आ जाना है। उसके बाद आप यहाँ पे देखो कितने लोग क्या क्या कर रहे हैं, कैसे कैसे कर रहे हैं, राइट। तो ये देखो, ये कितना इजी रील बनाना है मैं आपको आप सिखा दूंगा। आप भी एक 5 मिनट में ये रील बना सकते हो और इसको व्यूज़ देखो कितने, 1 मिलियन अभी होने वाले हैं। ये रील देखो, इसमें तो कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ एक बैकग्राउंड वीडियो चल रहा है और उस पर एक कोड डाल दिया है, तो उसके व्यूज़ देखो 1.5 मिलियन व्यू है। ये भी देखो, इसके भी व्यूज़ देखो कितने, 1.8 मिलियन। और ये रील देखो, इसके व्यू देखो कितने। तो ये बहुत ईजी है करना, मैं आपको आज की वीडियो में पूरा दिखाऊंगा ये कैसे कर सकते हैं। सिर्फ मोबाइल का इस्तेमाल करके ये आपको सिखाऊंगा मैं कैसा करना है, क्या क्या करना है इसके लिए। अभी एक और पेज मैंने आपके लिए फाइंड किया था, ये पेज देखो, ये पेज पैसे कैसे अर्न करना है अब आपका नेक्स्ट बड़ा क्वेश्चन होगा, राइट। तो इसके बायो में देखो क्या लिखा है, व्हाट्सअप फॉर पेड प्रमोशन, और उसके नीचे देखो लिंक, कौन सी लिंक है, www.lotus365.in। तो ये लोटस का प्रमोशन कर रहा है अपने बायो में, राइट। और एक प्रूफ, ये स्टोरी देखो, ये स्टोरी में इन्होंने लोटस की स्टोरी लगाई है, तो ये भी बेसिकली पेड प्रमोशन ही है। ये लोग लोटस का पेड प्रमोशन कर रहे हैं अभी, और ये लोटस का पेड प्रमोशन करके बहुत ही अच्छे खासे पैसे कमा रहे हुए, क्योंकि इनके फॉलोअर देखो 2,23,000 फॉलोअर हैं इनके, तो ये बहुत अच्छे फॉलोअर्स हैं और इससे इनको अच्छे खासे नंबर आ रहे होंगे, मतलब पैसे वाले नंबर, ये बोल रहा हूँ। और इनके व्यूज़ देखो, पूरा कॉपी पेस्ट पेज है गाइस, ये पूरा इंटरव्यूज़, हनी सिंह के इंटरव्यू, सोनू सूद के इंटरव्यू, खान सर के इंटरव्यू, मोदी जी के इंटरव्यू, पूरे मोटिवेशन जो भी बोलते हैं कोई इंटरव्यू में, ये उसको कट करके उसके आगे सिर्फ टेक्स्ट लगा के अपलोड कर देते हैं इंस्टाग्राम पे, और इससे ही वो प्रमोशन करके लोगों का पैसे कमा रहे हैं। देखो ये अमित बड़ाना के 2 वीडियो है, इस पर व्यूज़ देखो गाइस कितने हैं, 32 मिलियन, 33 मिलियन व्यू है गाइस, बहुत ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं ये, बहुत ज़्यादा। आप भी ये सब कर सकते हो, मैं आपको बताऊंगा ये कैसे एडिट करते हैं, क्या क्या करना पड़ता है इसके लिए। ओके, अब गाइस ये वीडियो की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होने वाली है, क्योंकि अब हम देखेंगे कि आपको जो रील्स इंस्टाग्राम, यूट्यूब और फेसबुक रील्स पे जो रील डालनी है उसे कैसे एडिट करेगी, ये आपको मैं सिखाऊंगा। तो इसके लिए आपको कुछ भी नहीं चाहिए, कोई लैपटॉप नहीं चाहिए, कोई डेस्कटॉप नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपको एक मोबाइल चाहिए और उसमें कैनवा ऐप चाहिए। तो अगर आपके पास कैनवा नहीं है तो प्ले स्टोर पर जाओ, सिर्फ कैनवा डाल के सर्च करो और ऐप डाउनलोड करो। उसके बाद आपको क्या करना है, सर्च बॉक्स में जाके सीधा टाइप करना है रील। ओके, जैसे ही रील डालोगे इंस्टाग्राम रील आपको मिल जाएगी। उसके बाद जैसे ही आप रील्स पे क्लिक करोगे आपको बहुत सारे टेम्पलेट मिल जाएगी, प्री डिफाइंड टेम्पलेट मिल जाएगी, यहाँ पे बहुत सारे टेम्पलेट हैं। पर आपको क्या करना है, सबसे पहले तो क्रिएट ब्लैंक पे क्लिक करना है। जैसे आप क्रिएट ब्लैंक पे क्लिक करोगे आपको एक ब्लैंक पेज पे लेके जाएगा और नीचे कोई टेम्पलेट आ जाएगी, राइट। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जो भी आपको रील बनानी है, आपको अभी तो आपको तो मोटिवेशनल रील बनानी है, राइट। एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, आप इसके बजाय कोई भी आपको जो भी टॉपिक है आपके नीश का उससे रिलेटेड यहाँ पे बहुत सारे टेम्पलेट हैं। जैसे अगर सोचो आपका गेमिंग चैनल है, गेमिंग पेज है, और आपका कोई क्या बोल सकते हैं, ब्यूटी टिप्स है, ऐसा कोई भी आपका पेज है उसके रिलेटेड बहुत सारे यहाँ पे टेम्पलेट है, वो आप चूज़ कर सकते हैं। हम अब एग्जांपल के लिए हम मोटिवेशनल का ले रहे हैं। ओके, तो मैं एक रील आपको एडिट करके दिखाता हूँ, राइट। तो ये वाला टेम्पलेट मुझे अच्छा लगा, ये मैंने सेलेक्ट किया, राइट। अब ये मुझे ये फोटो वगैरह यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसको सीधा जाके सेलेक्ट करना है, उसके बाद यहाँ से डिलीट कर देना है, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। ओके, इसके बाद ये भी मुझे पसंद नहीं आया, इसे भी डिलीट कर दो। अब मुझे सिर्फ यही चाहिए। ओके, तो यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे इसे सेट कर दो। ओके, इसके बाद इसे मूव करके यहाँ पे आ जाओ और इसको भी मूव कर लो ऊपर, या आप ऐसे इसको मूव कर सकते हो, राइट।
पूरा अभी क्या अभी देख लो गाइस, आप अभी से ही रील बना के पोस्ट करना चालू कर दो, क्योंकि बहुत कम टाइम है आपके पास, कम टाइम में ज़्यादा काम करो, अच्छे से अच्छे रील बना के पोस्ट करो, राइट। ये थोड़ा दिख नहीं रहा था इसलिए मैंने इसे ब्लैक कर दिया, ओके। अभी यहाँ पे अभी भी आपका टेक्स्ट पॉप नहीं हो रहा है ना, तो आपको टेक्स्ट पॉप करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको स्क्रीन को सेलेक्ट करके इसकी ट्रांसपेरेंसी क्या करो, थोड़ी सी कम कर दो, ओके। इसके बाद अगर ये ऐसा ब्लर दिख रहा है तो यहाँ पे आके सीधा आपको क्या करना है, कलर में जाके इसका कलर ब्लैक सेलेक्ट करना है। तो अभी आप ही देखो ये कितनी बढ़िया रील बन गई है, देखो देखो कितनी अच्छी लग रही है। और जो नीचे ऐट द रेट दिख रहा है ना, यहाँ पे आप आपके पेज का नाम डाल सकते हो पूरी तरह। और एक बार मैं आपको फुल स्क्रीन में दिखाता हूँ प्ले करके। ऐसी रील आपने भी देखी होगी, बहुत अच्छे खासे व्यू होते हैं ऐसी रील्स को। अभी हम अभी के टाइम पे जो ट्रेंडिंग रील चल रही है ना, वो मैं आपको सिखाऊंगा कैसे करते हैं, ओके। तो फिर एक बार वही प्रोसेस, जस्ट अ सेकंड, आपको बताऊंगा अभी। यार इसे क्या हो गया, हाँ आ गया। तो अभी आके ब्लैंक टेम्पलेट और एक बार सेलेक्ट करो, उसके बाद क्या करना है आपको बताऊंगा। यार ये इतना टाइम क्यों ले रहा है आज, हाँ आ गया, ओके। अभी जो टेम्पलेट आएगा अपन आज एक थ्री वीडियो वाला एक रील एडिट करके देखेंगे, क्योंकि अभी वो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है ना, इसलिए मैं आपको वो सिखाऊंगा कैसे करते थे, ओके। ये देखो ये वाली रील, ये देखो गाइस, ये रील एक बार देख लो आप, मैंने आपके लिए ही ढूंढ के रखी थी। ये कितनी प्लीजेंट रील है और कितनी अच्छी रील है। अगर इसको आपने इंस्टाग्राम पे डाल दिया अच्छे एक कोट के साथ, तो आपको भी मिलियंस में व्यूज़ आने वाले हैं। मैं ये भी बताऊंगा अभी, देखो यहाँ पे जो कैनवा वाटरमार्क है ये कैसे हटाना है, राइट। इसे सीधा डिलीट कर दो, डिलीट वीडियो, ओके। इसे भी क्या करो, डिलीट कर दो, डिलीट वीडियो, डिलीट कर दो, राइट। अभी आपको क्या करना है, इस पे आके रिप्लेस करना है। रिप्लेस पे सीधा जाके वीडियोज़ में जाना है, नीचे गैलरी में नहीं, अपलोड में नहीं, सीधा वीडियोज़ में जाना है। और यहाँ पे नेचर, यहाँ पे नेचर आ ही जाएगा वैसे तो कुछ ना कुछ, तो यहाँ पे सेलेक्ट करना है। यहाँ पे भी जाना है, रिप्लेस पे जाके वीडियोज़ पे जाके एक नेचर वाला सेलेक्ट कर लेना है। अभी देखो, अभी ये वाला प्ले करो, कितनी अच्छी बन गई रील, राइट। सेम टू सेम ही है। अब इस पे आपको टेक्स्ट ऐड करना है, ये प्लस के आइकॉन पे क्लिक करो, नीचे टेक्स्ट पे क्लिक करो, ऐड हेडिंग करो, ऐड हेडिंग करके इसकी साइज़ थोड़ी बढ़ा लो, इसका कलर वाइट कर दो, राइट। अब जो ये पीछे वाला है, इसकी थोड़ी ब्राइटनेस कम कर दो, इससे आपका टेक्स्ट पॉप होगा, राइट। और वैसे पहले आपको बोला ही है मैंने, इसका ये कलर ब्लैक कर देना है। सॉरी ये क्या हो गया, ओके ओके, बैकग्राउंड कलर अपन ब्लैक कर देते हैं, हटा के इसे ब्लैक करते हैं, राइट। देखो अब एक बार आपको रील दिखाऊंगा मैं, यहाँ पे कुछ लिख देते हैं, राइट। कर दो गाइस सब्सक्राइब कर दो, देख लो अभी कितनी बढ़िया रील बन गई है। तो ऐसे ही रील्स बनाओ और इंस्टाग्राम पे अपलोड करके अच्छे खासे पैसे कमाओ। थैंक यू सो मच गाइस।